मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहिए। घर से बाहर मत निकलिए बिना किसी काम का। अगर आप किसी इमरजेंसी में बाहर जा रहे हैं तो हमेशा मास्क पहनिए, ठीक है। अभी तो कहा जा रहा है कि डबल मास्क पहनना है। हाथ को सैनिटाइज़ कीजिए, हाथ को बार बार धोते रहिए, और अपना सुरक्षा अपने हाथ में होता है। अगर आप अपने को सुरक्षित रखते हैं तो उससे आपका परिवार सुरक्षित होगा, आपका समाज और आपका जो है जो लोकेलिटी है वो सुरक्षित रहेगा। इसलिए सेल्फ सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया राइटिंग कंपोजिशन क्या होता है, इसमें कितने तरह के टाइप्स होते हैं, और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि शॉर्ट कंपोजिशंस का वर्ड लिमिट कितना है, लॉन्ग कंपोजिशंस का वर्ड लिमिट कितना है, शॉर्ट कंपोजिशंस के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, लॉन्ग कंपोजिशंस के अंदर क्या क्या टॉपिक आते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ शॉर्ट कंपोजिशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला टॉपिक है नोटिस राइटिंग, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं, बिफोर गोइंग थ्रू द टॉपिक यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, उसका मतलब क्या है, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या महत्व है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चीज़ें नहीं जानेंगे तो आपको ये सब बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट लेने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, उसका हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो इसमें नोटिस राइटिंग क्या होता है, नोटिस राइटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप अपने स्कूल में देखते होंगे, अगर किसी के मान लीजिए कि आपका स्कूल जो है किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने वाला है, ठीक है, मान लीजिए स्पोर्ट्स, एनुअल स्पोर्ट्स होता है, तो उसमें नोटिस इशू किया जाता है कि इतना इतना कैटेगरी है, इतने सारे बच्चे इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ऑफिसेस में, बहुत सारे जगहों पे नोटिस को जो है पेस्ट किया जाता है। आप नोटिस जो है न्यूज़पेपर्स में भी देखते हैं, ठीक है। तो हर तरह का नोटिस जो है होता है, और हर तरह से ये नोटिस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहती है कि अपना जो नोटिस है, अपना जो इन्फॉर्मेशन है, अगर उसको पब्लिक तक या फिर उसके स्टाफ तक अगर पहुंचाना है, तो नोटिस इज़ द बेस्ट वे टू कन्वे द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि नोटिस जो होता है, इसके एक पर्टिकुलर फॉर्मेट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, नोटिस होता है क्या है, और नोटिस नोटिस क्या है, नोटिस इज अ यू कैन राइट अ इज अ फॉर्मल वे ऑफ नोटी फाइंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। अब यह देखिए, जो जो यहाँ वर्ड्स लिखा गया उसको एक एक को आप समझिए। यहाँ क्या लिखा हुआ, नोटिस इज अ फॉर्मल वे। फॉर्मल वे मतलब होता है कि एक ऑफिशियल तरीका, ठीक है, एक ऑफिशियल तरीका होता है क्या करने के लिए, टू वे ऑफ नोटिफाइंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। मान लीजिए कि पेपर में अगर डॉक्टर्स के लिए कोई नोटिस दिया हुआ है, तो क्या वो आपके मतलब का है, नहीं है, क्यों, क्योंकि ये डॉक्टर्स के लिए है। तो नोटिस जो होता है वो पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होता है। मान लीजिए आपके स्कूल में अगर कोई नोटिस निकाला गया, तो क्या ये नोटिस बाज़ार में चलने वाले लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑब्वियसली नहीं है, क्यों, क्योंकि नोटिस तो स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा कि अ नोटिस इज अ फॉर्मल वे ऑफ नोटिफाइंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, एक पर्टिकुलर मैंने स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। अगर बच्चों के लिए कोई, स्टूडेंट्स के लिए कोई नोटिस निकलता है, तो वो स्टूडेंट्स के लिए होगा। पेरेंट्स के लिए जो होता है वो फिर पेरेंट्स के लिए होगा, फिर स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा। तो पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नोटिस जो है इशू किया जाता है। और ये कौन कौन इशू करते हैं, इट इज़ issued by schools, institutions में कुछ भी हो सकते हैं, कोचिंग वगैरह, colleges, offices,
ऑफिसेज में गवर्नमेंट ऑफिसेज भी आ सकता है। तो ये आपका जो है इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि नोटिस में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहली बात है कि नोटिस जो आप लिखते हैं या कोई भी अगर आप राइटिंग कंपोजिशन लिखते हैं तो उसका जो लैंग्वेज होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही सिंपल, और वर्ड लिमिट है उसके अंदर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारा लंबा लिख दिए, आपको 60 to 80 वर्ड्स में लिखना है तो आप 100 वर्ड्स में लिख दिए, तो उतना लंबा भी नहीं लिखना है, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है और बहुत ही टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है। और लिखते समय आपको ध्यान देना है कि आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट सेंटेंस का आप यूज़ कीजिए, ठीक है। जनरली नोटिस जो होता है वो आने वाले इंसिडेंट के लिए होता है, आने वाले किसी कार्यक्रम या प्रोग्राम के लिए होता है। तो ये जो है ये आपका फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आप प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं तो उसको पैसिव वॉइस में लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बातें आपको जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट की जहाँ तक बात है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको यहाँ एक बॉक्स, आपको स्केल से बॉक्स ड्रॉ करना है, ठीक है, और बॉक्स आप जो है पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। यू शुड ड्रॉ द बॉक्स विद अ पेंसिल। आप लिखने के बाद भी बॉक्स बना सकते हैं या लिखने से पहले भी बॉक्स बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लिखने से पहले अगर बॉक्स बना लेते हैं तो हो सकता है कि आपका वर्ड्स जो है वो थोड़ा, अगर आपका लंबा हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो वो दिक्कत होता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप लिखने के बाद जो है बॉक्स ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको केवल फॉर्मेट बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको जो है ये बॉक्स मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप स्केल से कीजिएगा, ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ अ बॉक्स विद अ स्केल। आई एम नॉट यूजिंग अ स्केल हियर बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज द इम्पॉर्टेंस। अगर आप बॉक्स ड्रॉ नहीं करते हैं तो उसमें आपके मार्क्स जो है कटेंगे फॉर्मेट में, ठीक है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर लिखना पड़ता है हेडिंग ऊपर में नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन में मान लीजिए अगर आपके क्वेश्चन में किसी स्कूल का नाम दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको स्कूल का नाम लिखना है। अगर क्वेश्चन में कोई भी स्कूल का नाम मेंशन नहीं किया हुआ है तो उसमें आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है, विद एड्रेस, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड एड्रेस। अब इसको लिखना है इन कैपिटल लेटर, हमेशा याद रखिए कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स जो है फिर से कटेंगे। कैपिटल लेटर्स को ब्लॉक लेटर्स भी कहा जाता है। और ये आपका मिडिल में होना चाहिए, आप बीच में जो है ऊपर में टॉप में लिख दिया नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी कि स्कूल का नाम, और वो हमेशा कैपिटल लेटर में। उसके बाद नीचे जो है आप लिखिएगा नोटिस, NOTIC, ये भी कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। अगर ये भी आप अगर स्मॉल में लिख देंगे या सेंटेंस केस में लिख देंगे तो आपका जो है इसमें मार्क्स कटेगा। इसके नीचे आप अंडरलाइन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हेडिंग, हेडिंग या टाइटल, ये भी आपको लिखना है कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो हेडिंग और टाइटल भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है डेट, ठीक है। और डेट लिखने से पहले ध्यान में रखिए DATE नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली डेट लिखना है। जैसे आज का डेट अगर है 26 अप्रैल तो आपको ये लिखना है, ये नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपको जो है डेट में डेट लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ये आएगा कंटेंट्स। कंटेंट्स मतलब मेन बॉडी जो होता है आपका नोटिस का, मैंने किस टॉपिक पे आपको नोटिस लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखिएगा सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब होता है जो नोटिस इशू कर रहे हैं, जो नोटिस लिख रहे हैं, ठीक है। कोई नाम आपका मेंशन किया रहेगा क्वेश्चन में, मान लीजिए कोई नाम नहीं है तो आप अपना सिग्नेचर या हमने अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आपका होता है नेम इन कैपिटल लेटर, फिर से वही नाम आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, सिग्नेचर जो होगा, ठीक है, सिग्नेचर जो किए उसी नाम को कैपिटल लेटर में लिखना है, और ये आपको ब्रैकेट में लाना है स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखिएगा डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब जो है जो नोटिस लिख रहे हैं उनका पोस्ट क्या है, वो हेड बॉय हो सकते हैं, हेड गर्ल हो सकती है, प्रिंसिपल हो सकते हैं, सेक्रेटरी हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं,
ठीक है। तो आपको मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि नोटिस हम किस तरह से लिखेंगे, नोटिस क्या होता है, किस किस जगह पर ये यूज़ किया जाता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, फॉलो दिस वीडियो एंड ट्राई टू लर्न। स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।